जबलपुर के क्रिश्चियन स्कूल में अपर कलेक्टर ने एक नोटिस चस्पा किया है, जिसके माध्यम से क्रिश्चियन स्कूल पर सवालिया निशान खड़ा किया गया है। क्रिश्चियन स्कूल को उक्त जमीन शिक्षा का काम करने के लिए दी गई, लेकिन क्रिश्चियन स्कूल के प्रबंधन ने मिलकर इस जमीन का बंदरबांट कर दिया और बगैर किसी प्रशासनिक अनुमति के इसे दुकानदारों को बेच दिया, जबकि व्यावसायिक उपयोग की अनुमति क्रिश्चियन स्कूल को नहीं थी। ऐसे में अब कलेक्टर ने एक नोटिस जारी किया है और क्रिश्चियन स्कूल से जवाब मांगा है। नोटिस इस कारण चस्पा किया जा रहा है कि पूर्व में क्रिश्चियन स्कूल को भूमि शिक्षा के लिए दी गई थी, उन्होंने बगैर कलेक्टर महोदय के अनुमति के उसका विक्रय कर दिया गया और वर्तमान में आज आप देख रहे हैं यहाँ पर एक व्यवसाय किया जा रहा है। इन्होंने विक्रय बगैर कलेक्टर महोदय के अनुमति के किया गया है, जिस कारण अपर कलेक्टर महोदय द्वारा इसको शासन में किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। ये एजुकेशन के लिए दी गई थी जमीन? हाँ, एजुकेशन के लिए दी गई थी। इन्होंने बगैर किसी अनुमति के क्रय विक्रय किया गया है, जिसके संबंध में अपर कलेक्टर महोदय द्वारा नोटिस जारी कर शासन में दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। जिसमें व्यवसाय हो रहा है वो 26,000 समथिंग वर्ग फुट है। ये पिछले जो हमको गया थे 2010-11 से कर रहे हैं, यानी पिछले 10 वर्षों से तो कर रहे हैं। मैं राजस्व निरीक्षक दिनेश यादव, जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।